एपिसोड शुरू होता है और वॉल्टर बड़ी तेजी से उसकी वैन चला रहा होता है। बैकग्राउंड में हमें पुलिस सायरन सुनाई देता है। उसके वैन में जेसी और कोई होता है। स्पीडिंग की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रास्ते के नीचे गड्ढे से टकरा जाती है। वॉल्टर फिर अपना वीडियो रिकॉर्डर और गन निकालता है। बाहर निकल के वो अपनी वाइफ और बच्चे के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है। उसे लगता है कि अब वो बस्ट होने वाला है और इसके लिए वो अपने बेटे और वाइफ को एक मैसेज देना चाहता है। मैसेज रिकॉर्ड करके वो रोड पे आकर गन को रोड की तरफ पॉइंट करता है। सायरन की आवाज़ कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है और यहाँ कैमरा स्टॉप होता है। इसके बाद शो के क्रेडिट्स रोल होते हैं और स्टोरी 3 वीक्स अर्लियर स्टार्ट होती है। अर्ली मॉर्निंग वॉल्टर उठ जाता है और कुछ वर्कआउट करता है। उस समय उसे खांसी आती है। हमें उसके बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए वॉल्टर की फैमिली दिखाई देती है। वॉल्टर, वॉल्टर की बीवी स्काइलर और उसका बेटा वॉल्टर जूनियर। स्काइलर जल्दी घर आने को बोलती है क्योंकि आज वॉल्टर का बर्थडे होता है। फेमिलियर फैमिली कन्वर्सेशन जो मदर और फादर और सन के बीच होती है वो हमें दिखने को मिलती है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर स्कूल को ड्राइव करता है और स्कूल के हैंडीकैप पार्किंग में कार पार्क करता है क्योंकि उसका बेटा वॉल्टर जूनियर क्लचेस के साथ चलता है। वॉल्टर स्कूल केमिस्ट्री टीचर होता है। वो बहुत ही ब्रिलियंट टीचर है क्योंकि जो जिस समय वो टीचिंग करता है उस सीन से हमें पता चलता है। क्लासरूम में उसे एक बच्चा बदतमीजी से पेश आता है पर वो उसे पोलाइटली अपने सीट पर बैठने को बोलता है। एक सीन में वॉल्टर हमें स्टाफ रूम में अकेले ही लंच करता हुआ दिखता है। वॉल्टर स्कूल में टीचिंग के बाद कार वॉश में भी काम करता है। वो वहाँ कैश काउंटर संभालता है पर उसके बॉस उसे उस दिन कार वॉश करने के लिए बोलता है क्योंकि एक एम्प्लॉय नहीं आता। वॉल्टर जब कार क्लीन कर रहा होता है तब वहाँ वही क्लासरूम का बच्चा आ जाता है और उसकी इमेज ले लेता है और उसका मजाक उड़ाता है। वॉल्टर जब घर आता है तब उसकी वाइफ ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की रहती है। वहाँ स्काइलर के सिस्टर मरी और सिस्टर का हस्बैंड हैंक आया हुआ रहता है। हैंक DEA रहता है, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन में वो रहता है और वो अपने लेटेस्ट रेड के बारे में सबको बताता है और वो टीवी पे भी आता है। टीवी पे वॉल्टर ने रेड का साइज क्या था तो वो देख के वॉल्टर हैरान रह जाता है। $700 वॉल्टर देखता है उस रेड में। हैंक उसे बोलता है कि ये कैश नॉर्मल है ड्रग्स में। हैंक नेक्स्ट रेड में भी उसे इनवाइट करता है। वॉल्टर के बर्थडे पर भी उसे अटेंशन नहीं मिलती क्योंकि सब अटेंशन हैंक ले जाता है। वॉल्टर फिर बेड पर स्कायरल के पास आ जाता है। स्कायरल उसे पूछती है कि वो कब रूम पेंट करने वाला है। ये रूम पेंट आने वाले बच्चे के लिए करना होता है। वॉल्टर का बर्थडे होता है इसलिए स्कायलर उसे सेटिस्फाई कर देती है। नेक्स्ट डे वॉल्टर कार वॉश में काम करते हुए खांसी आकर और चक्कर आकर गिर जाता है। वॉल्टर के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है। एम्बुलेंस में जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो उसे कुछ सीरियस लगता है तो सीरीज ऑफ टेस्ट उस पर की जाती है। और नेक्स्ट सीन में वॉल्टर हमें डॉक्टर के साथ बैठा हुआ दिखता है। उसके रिजल्ट आ चुके होते हैं और डायग्नोस्ड हो जाता है कि उसको लंग कैंसर है। वॉल्टर शॉक में ही होता है पर वॉल्टर को सब समझ में आता है कि वो नॉन ऑपरेबल लंग कैंसर उसे है और वो किमो के बाद भी कुछ ही साल जिंदा रहेगा। वॉल्टर घर आ जाता है पर फिर भी अपने वाइफ को कुछ नहीं बोलता। जब वो कार काउंटर पे होता है तब उसका बॉस उसे फिर से बोलता है कि उसे क्लीनअप आज करना पड़ेगा तो गुस्सा हो जाता है और जॉब छोड़ के चला जाता है। वॉल्टर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ अब फन नहीं रहती तो वो हैंक को कॉल करता है और बोलता है कि उसे रेड पर जाना है ड्रग के। तो वॉल्टर हैंक के साथ ड्रग रेड पर आता है और वो सब एक गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं। फिर डिस्कशन होती है कि जो ड्रग की लैब चला रहे थे उसमें से एक का नाम कैप्टन कुक है। इस बात पर बेट लगती है दोनों DEA ऑफिसर्स की। रेड रेड सक्सेसफुल होती है और उसमें एक सस्पेक्ट पकड़ा जाता है। हैंक को भी केमिस्ट्री की लैब वहाँ देखनी होती है। उसको जानना होता है कि एक्चुअल में ये कैसे ड्रग्स बनाते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक मेथ ये कैसे बनाते हैं। तो वो हैंक से पूछता है, हैंक उसे बताता है कि हम पहले जाते हैं और कुछ चेक करके आते हैं उसके बाद तुम आना। तभी साइड की खिड़की से वो देखता है उसका ओल्ड स्टूडेंट जेसी पिंकमन जो बालकनी से कूदता है। वॉल्टर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और जेसी को DEA से भागते हुए देखता है। उसकी गाड़ी पर कैप्टन लिखा हुआ रहता है इसे उसे पता चल जाता है कि जेसी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। वॉल्टर सरप्राइज्ड हो जाता है कि जेसी ये सब कर रहा है, ड्रग्स बना रहा है और उसको सेल कर रहा है। तो वॉल्टर स्कूल्स रिकॉर्ड्स से जेसी का पता ढूंढता है। उसके आंट के हाउस पर
वॉल्टर जाके देखता है, वह उसे जेसी मिलता है। वॉल्टर उसको इंटरोगेट करना स्टार्ट करता है, पर जेसी डिनाई करता है कि वो कुछ ऐसा कर नहीं रहा। उसके बाद वो कैप्टन कुक के बारे में बताता है और उसके नंबर प्लेट को ऊपर करता है। जेसी उसकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, तो वॉल्टर बताता है कि उसका पार्टनर अब जेल में जाएगा और वो अभी उसका ऑपरेशन एक सही तरीके से रन नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो पार्टनर अप करना चाहता है। वो बोलता है कि मुझे केमिस्ट्री बताए और तुम्हें बिजनेस, तो हम मिलकर ये बिजनेस करेंगे। जेसी उसको सीरियसली नहीं लेता, तब वो उसको बताता है अगर तुम डील को हाँ बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें डीए को सौंप दूंगा। नेक्स्ट हमें दिखती है स्काइलर और मरी के बीच में कन्वर्सेशन। मरी उससे पूछ रही है कि तुम्हारा नॉवेल लिखना कैसे चल रहा है, तो स्काइलर उसे बताती है कि ये एक नॉवेल नहीं है, तो वे शॉर्ट स्टोरीज लिख रही हूँ। वो कुछ ओल्ड चीज़ें बेचने के लिए पैक कर रहे होते हैं। और वो वॉल्टर के बारे में भी पूछते हैं कि वॉल्टर के साथ क्या चल रहा है, वो ज़रा ऑफ लग रहा है। तो स्काइलर उसे बताती है कि सिर्फ एक मिड लाइफ क्राइसिस हो सकते हैं। वॉल्टर उसके स्कूल से सब केमिस्ट्री के इक्विपमेंट्स उठा लेता है, क्योंकि अब उसे मैथ कुक करना है। वो सब इक्विपमेंट्स लेके वो डायरेक्टली जेसी के घर आता है। जेसी उसे बोलता है कि इस सब की क्या ज़रूरत है, हम एक ही फ्लास्क में यूज़ कर लेंगे। तो वो बोलता है कि एक साइंटिफिक तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं, इसकी क्वालिटी हम इंश्योर करेंगे और जो एडवर्टाइज करेंगे वही बेचेंगे, कुछ भी गार्बेज नहीं बेचेंगे। जेसी के मैथ को वो एक गार्बेज बताता है। जेसी और वो सब इक्विपमेंट्स उसके घर में रखते हैं, पर जेसी उसे बताता है कि हम घर में ये कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे कुत्ते डीईएनए छोड़ कर रखे हैं और वो सूंघ लेते हैं उस फ्यूम्स को, तो उन्हें एक आरवी रेंट करनी पड़ेगी। जेसी बताता है कि उसकी फ्रेंड के पास एक आरवी है और वो रेंट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉल्टर अपने सारे पैसे बैंक से निकाल लेता है और जेसी को देता है। जेसी बोलता है पूरे नहीं है, पर वो नेगोशिएट करने को बोलता है। जेसी उसको पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तुम तो बहुत वैल्यू वाले थे। बहुत पूछने के बाद वॉल्टर उसे बताता है कि वो अब जाग गया है। नेक्स्ट सीन है वॉल्टर जूनियर की शॉपिंग का। पैंट्स की शॉपिंग वो कर रहा होता है, पर उसके पैंट्स को ऊपर लेने के लिए उसको हेल्प लगती है उसके डैड की, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड होता है। तो जब वो बाहर निकलता है तब कुछ बुली लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। इससे वॉल्टर और स्काइलर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वॉल्टर बोलता है कि चुप रहो मैं आता हूँ, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। पर वो लड़के कंटिन्यूसली वॉल्टर जूनियर का मजाक उड़ाते ही रहते हैं। तो जब स्काइलर उनके पास जाने को लगती है तब वॉल्टर एंट्री से आता है, जो बिग बुली रहता है उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर देता है, और फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन वॉल्टर के राउडी बनने के फर्स्ट सीन है। पहले सीन में हमने अभी देखा कि वो बताता है कि मैं अब जाग गया हूँ। सीन में उसे कॉन्फिडेंस आता है, उसे अलाइव महसूस होता है, उसे मजा आने लगता है लाइफ का। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर और जेसी डेजर्ट में दिखाई देती है, जहाँ उन्हें कोई देख नहीं सकता या स्मोक का भी कोई नोटिस नहीं करेगा। आरवी में वो सब सेटअप बना लेते हैं। वॉल्टर अपने सब कपड़े निकालता है और सिर्फ अंडरवेयर में कुक करना चाहता है, क्योंकि उसे मैथ की तरह स्मेल नहीं करना, उस केमिकल का स्मेल उसे अपने कपड़े पर नहीं चाहिए। जेसी अपने वीडियो कैमरे से उसे शूट करने लगता है जब वो कुक कर रहा होता है, तो वॉल्टर उससे वो कैमरा ले लेता है। यही कैमरा हमें एपिसोड के फर्स्ट में दिखाई दिया था। वॉल्टर पूरे साइंटिफिक तरीके से मैथ बनाता है और उसको ब्रेक करने के बाद जेसी को दिखाता है। जेसी वॉल्टर को बताता है कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ये क्रिस्टल में बन रहा है और क्रिस्टल बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए बहुत डिमांड में रहने वाला है। और इसको सेल करने के लिए उसे पता है कि इसे किसको सेल करना है, उससे वो मिलने जाने वाला है। अब जेसी उसका क्रिस्टल मैथ लेकर एक नए ड्रग डीलर के पास जाता है। ये ड्रग डीलर उसके प्रीवियस पार्टनर का भाई होता है, को टेस्ट करने को बोलता है। उस ड्रग डीलर को शक होता है कि जेसी ने ही उसके ब्रदर को फ्रेम किया हुआ है। जेसी उससे इनकार कर देता है। ब्रदर यानी कि जेसी का प्रीवियस पार्टनर की बेल हो चुकी रहती है, तो वो ऊपर के कमरे में होता है और वो नीचे आ जाता है। तभी वो प्रीवियस ड्रग डीलर उस पर मन रखता है और बताता है कि ये तुमने कहाँ से कुक किया है। फिर जेसी उस ड्रग डीलर को और उसके ब्रदर को लेके लैब तक ले आता है, उस वैन तक ले आता है। जब जेसी का पुराना पार्टनर वॉल्टर को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है ड्रग रेड से। उसे पता होता है कि ये डी के साथ था, तो वो जेसी को भी लेटा देते हैं ज़मीन पर। वो जो ड्रग डीलर होता है तो वॉल्टर को मारने वाला होता है, तभी वॉल्टर उसे बताता है अगर तुम्हें इसी तरह का क्रिस्टल मेथ कुक करना है तो मैं तुम्हें मेरी रेसिपी बता सकता हूँ।
तो वॉल्टर उसे अपने वैन में ले जाता है। जब ड्रग डीलर वैन में आ जाता है तो उसका ब्रदर भी वो देखने के लिए आ जाता है। तभी वॉल्टर एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है जिसके गैस पॉइजनस होता है। उस पॉइजनस गैस से लोग मर भी सकते हैं। तो वॉल्टर वो रिएक्शन करके वैन से बाहर आ जाता है और वैन को लॉक कर देता है। बीच में कि ये दो ड्रग डीलर और उसका भाई दोनों घायल हो जाते हैं। ड्रग डीलर का भाई पहले सिगरेट पी रहा होता है और उसका सिगरेट वो वही फेंक देता है। इससे गाड़ी के पीछे आग लग जाती है और उसके बहुत ज़्यादा स्मोक होने लगता है। वॉल्टर उस स्मोक को बुझाने का ट्राई करता है पर वो बुझा नहीं पाता और बहुत सारी फ्लेम्स वहाँ से आती है। तो वॉल्टर वहाँ से गाड़ी लेके भागता है। अब हम फिर से सीरीज के फर्स्ट सीन पे आते हैं। वही गाड़ी वॉल्टर चला रहा होता है, वो गड्ढे में गिर जाती है। तो वो मैसेज रिकॉर्ड करता है अपने बीवी और बच्चे के लिए। उसे लगता है अब वो बस्ट होने वाला है और वो गन पॉइंट करता है रोड की तरफ। फिर उसके बाद वो अपने ही जान लेने की कोशिश करता है पर सेफ्टी ऑफ होने के कारण वो गन नहीं चल पाती। और जब वो सेफ्टी ऑफ करता है तो बुलेट कहीं और ही चल जाती है। उसका करेज नहीं होता खुद को मारने का। जब थोड़ी देर बाद वो साइलेंस बहुत ही पास आ जाते हैं तो उससे पता चलता है कि ये फायर ब्रिगेड था, ये कोई पुलिस नहीं आ रही। वो चैन की सांस लेता है। फायर ब्रिगेड जाने के बाद जेसी होश में आता है और उससे पूछता है कि उन दोनों को क्या हुआ। वो बोलता है कि वो अब मर चुके हैं क्योंकि उसने जो केमिकल क्रिएट किया था उसकी एक सांस ली तो भी लोग मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर ड्रायर से बहुत सारे पैसे निकालता हुआ दिखता है। ये सब होने के बाद वो जब बेड पे आता है तो स्काइलर उससे पूछती है कि तुम बहुत ही कम मुझसे बोलने लगे हो और क्या क्या चल रहा है। उसको पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है। स्काइलर उससे बोलती है कि मुझे तुम ऐसे चुप नहीं कर सकते। तो वॉल्टर उस पर कुछ नहीं बोलता और डायरेक्टली उसे किस करता है। आफ्टर दैट दे मेक लव। इस तरह से एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके पहले बर्थडे सीन में वो पेनिट्रेशन सेक्स नहीं करते क्योंकि स्काइलर प्रेग्नेंट होती है, पर इस सीन में वो डायरेक्टली सेक्स करते हुए हमें दिखाया गया है क्योंकि वो ही डजेंट केयर एनी मोर, क्योंकि उसे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। इस पूरे एपिसोड में हमें वॉल्टर का ट्रांजिशन दिखाया गया है कि एक डरा हुआ आदमी और उसके बाद उसकी सेल्फ वर्थ उसे पता चल गई है और उसका एक ट्रांजिशन एक कॉन्फिडेंट मैन में हो चुका है। जैसा वॉल्टर ही बोलता है कि वो जाग गया है, उसे अब जिंदा महसूस हो रहा है।